हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्लम्स यानी कि आलू बुखारे की दो अलग अलग तरह की रेसिपी। एक है प्लम शॉर्ट्स की रेसिपी और दूसरी है प्लम पॉप्सिकल की रेसिपी। ये दोनों रेसिपी बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली है, तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम सबसे पहले प्लम शॉर्ट्स की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम 250 ग्राम प्लम्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने प्लम्स के सीड्स निकाल दिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसे हम मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, काला नमक, चाट मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर और हाफ नींबू को स्क्वीज करके इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और 8 से 10 पुदीने के पत्ते लिए हैं, इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसका ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स के ग्लासेस लिए हैं और दूसरी प्लेट में नमक और नींबू लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट्स का ग्लास लिया है, उसकी एजेस पर हम नींबू को इस तरह से घिसेंगे। अब हम इसे उल्टा करके नमक में इस तरह से डिप करेंगे ताकि ग्लास की एजेस पर नमक की अच्छी तरह से रिंग बन सके। इसी तरह से हम सारे ग्लास को प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे ग्लासेस को नमक से कोट कर लिया है। अब हम इसमें हमारा जो जूस है वो फिल कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे प्लम शॉर्ट्स बनकर रेडी है। तो है ना ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम फटाफट से दूसरी रेसिपी भी देख लेते हैं, यानी कि प्लम पॉप्सिकल की रेसिपी। ये भी बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम 250 ग्राम प्लम्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने प्लम्स के सीड्स निकाल दिए और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे सॉफ्ट होने तक कुक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्लम्स है वो गलना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से गले नहीं है। तो अब हम इसे थोड़ा और कुक करेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट में हमारे जो प्लम्स है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से मैश भी हो रहे हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी यहाँ पर आप अपने प्लम के टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट और कुक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और हमारे जो प्लम्प है वो भी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। मतलब कि हमारी जो प्लम्प की प्योरी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम प्लम्प की प्योरी को ऐड कर देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारी जो प्योरी है वो अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक और पुदीने के पत्ते। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए।
अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर छन्नी रखी है। अब हम इसमें हमारे जो प्लम्स की प्योरी है इसे छान लेते हैं। देखिए हमारे प्लम्स की प्योरी बनकर रेडी है। अब यहाँ पर मैंने 4 कुल्फी के मोल्स लिए हैं। इसमें अब हम हमारे जो प्लम्स की प्योरी है उसे फील कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे कुल्फी के मोल्स को फिल कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा लेते हैं। अब हम इसके ऊपर कुल्फी की स्टिक रख देते हैं। फिर इसे 7 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देते हैं। देखिए यहाँ पर 8 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो कुल्फी है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसका ढक्कन ओपन कर लेते हैं और फिर इसे हमारी दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से रब करेंगे। इसे इस तरह से हम 1 मिनट के लिए रब करेंगे और फिर इसे स्टिक की हेल्प से इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे और इसे बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से बनकर निकली है। इस तरह से हम सारी कुल्फी को डीमोल्ड कर लेते हैं। ये कितनी डिलीशियस लग रही है ना फ्रेंड्स, ये टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।